बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल स्टडी करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन, सो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है कि बेसिकली कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए इनटू डॉटर डीएनए, ठीक है, मतलब पेरेंट डीएनए का डॉटर डीएनए में कॉपी होना, ठीक है, या कह लें कि रेप्लिकेट होना, रेप्लिकेट से मतलब डबल होना या डिवाइड होना, सही। सो दैट इज़ कॉपिंग ऑफ डीएनए, इट इज़ नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, सही। और रेप्लिकेशन के बहुत से मॉडल आए हैं, रेप्लिकेशन मॉडल्स, यानी जो रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उसमें तीन हैं, एक कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मॉडल, अदर वन इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और लास्ट में है डिस्पर्सिव मॉडल, ठीक है, जो इन दोनों से मुख्तलिफ है, डिस्पर्सिव मॉडल, सही। सबसे पहले कंजर्वेटिव क्या है कि मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके अंदर अगर पेरेंट स्ट्रैंड अलग रहे और डॉटर स्ट्रैंड अलग रहे, ठीक है, मतलब दोनों की कह लें कि कंप्लीट आइडेंटिटी सेपरेट रहे, ठीक है, मतलब चलिए इसकी एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। सो ये ओरिजिनल डीएनए है, सो अगर पेरेंटल स्ट्रैंड जो सा है वो डिफरेंट है, मतलब ये जो सा है पेरेंटल स्ट्रैंड है, वैसे ये पेरेंटल स्ट्रैंड नहीं है, पेरेंटल स्ट्रैंड तो बेसिकली ये है, ठीक है, क्योंकि ये देखें ना, ये ओरिजिनल से मैच करता है, ये डॉटर स्ट्रैंड है बेसिकली, सही। सो अगर पेरेंटल स्ट्रैंड, ओरिजिनल स्ट्रैंड को आप पेरेंटल स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, सही, कि अगर पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो इंटैक्ट रहे या सेपरेट रहे डॉटर स्ट्रैंड से, नहीं मतलब दोनों की मिक्सिंग ना हो, तो इसे हम कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, ठीक। फिर डिस्पर्सिव मॉडल, जिसके अंदर क्या हुआ कि डीएनए पूरा टूट गया है और उसके अंदर आधा पेरेंटल स्ट्रैंड आ रहा है, आधा डॉटर स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड आ रहा है, ठीक है, आधा मतलब उनकी आपस में मिक्सिंग हो गई है, सही, यानी डीएनए बीच में से टूट कर मतलब डिस्पर्स होने के बाद दोबारा रीअलाइन हुआ है, ठीक। और जबकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है उसके अंदर एक, यानी दोनों अनजिप होगा, ठीक है, मतलब इसका पहले अनजिपिंग हुई और अनजिपिंग के बाद उसने एक डॉटर प्लस पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, हाफ हाफ के साथ, मतलब हाफ डॉटर और हाफ पेरेंटल स्ट्रैंड मिलके एक डीएनए बनाया, सही। सो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, सो सबसे जो कह लें कि एक्सेप्टेबल मॉडल, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर यानी मेजलसन और स्टैल ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद ये कह लें कि वाजह हुआ था कि जो बेसिकली रेप्लिकेशन है डीएनए की वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के ज़रिए होती है या उसके फॉलो करती है। वैसे अगर थोड़े से रेप्लिकेशन प्रोसीजर को देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर जो कि हम डीएनए का पीछे स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके साथ एडिनोसिन होगा, इसके साथ फॉर एग्जाम्पल टी है, इसके साथ जी है, इसके साथ सी है, ठीक है, इसके अपोजिट स्टैंड बनेगा वो होगा फॉस्फेट शुगर, सॉरी फॉस्फेट है शुगर, फॉस्फेट शुगर, सही, ए के अगेंस्ट टी आ जाएगा, टी के अगेंस्ट ए, जी के अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट जी, सही, ए और टी के अंदर डबल, टी डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो अनजिपिंग किस तरह होगी बेसिकली इस तरह, ठीक है, मतलब फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक, मतलब इसका एडिनिन है फॉर एग्जांपल, इसका थायमिन है, ये सेपरेट हो जाएंगे, मतलब ये साइड पे चला जाएगा स्टैंड, इस साइड पे, ठीक है, और इस तरह अगला बॉन्ड इसका टूटेगा और इस तरह इसके अगेंस्ट एक और स्टैंड बनना शुरू हो जाएगा, फॉस्फेट शुगर सॉरी शुगर यहाँ पे आ गया फॉस्फेट, और इसके अगेंस्ट टी बन जाएगा, इसके अगेंस्ट ए आ जाएगा, सो दो डॉटर स्ट्रैंड नए बनना शुरू हो जाए, तो इस तरह ये अनजिपिंग का प्रोसेस हो रहा होता है,
ठीक है, और जो अनजिपिंग की तरह ही रेप्लिकेशन हो रही होती है से, मतलब फिर उसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं, डीएनए डीएनए पॉलीमरेज, वो जब हम आगे जाएंगे उस स्टेप से ही तरीके से रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। सो अलबत्ता जो अनजिपिंग है इसके अंदर जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, वो एक चीज़ कहता है कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड है जो कि वही पुरानी वाली स्ट्रैंड है, ठीक है, और उसके अंदर नई स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड बनती है अनजिपिंग के जरिए, ठीक है, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। और इसी को प्रूफ जो है वो मेजलसन और स्टाइल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए करने की कोशिश की है। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, बहुत सिंपल है कि उन्होंने जो डीएनए है, डीएनए को उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, एक N14 के साथ, N14 कंटेनिंग बेसिस, ठीक है, कंटेनिंग बेसिस होंगी जी, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर एक N14 है और एक N15 डाल दिया, जो आइसोटोप्स थे उनका यूज़ किया उन्होंने, ठीक है, एक N15 का आइसोटोप कंटेनिंग बेसिस है, सही। सो जो N15 का ये ज़्यादा, मतलब इसकी डेंसिटी हाई होगी, हाई डेंसिटी, और इसकी लो डेंसिटी है, सही। मतलब अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर देखें तो सेंट्रीफ्यूज के बाद हमें N15 नीचे मिलेगा, कि जो डीएनए होगा N15 का जो डीएनए होगा वो नीचे मिलेगा, और N14 जो है वो कंप्लीटली ऊपर मिलेगा हमें, क्योंकि वो लेस डेंस है, ठीक है। मतलब उन्होंने डीएनए को बेसिकली N14 एंड N15 के अंदर डिवाइड किया, सही। अब हम एक्चुअली आते हैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या था, बहुत सिंपल है कि इन्होंने इकोलाई का यूज़ किया, यानी इसकर्शिय कोलाई को उन्होंने यूज़ किया, जो कि बैक्टीरिया भी है, इसकर्शिय कोलाई, ठीक है। उन्होंने पहले क्या किया, इसकर्शिय को ग्रो करवाया, ग्रो ऑन N15, सही, कि मतलब नाइट्रोजन जिसका मतलब हैवियर आइसोटोप था 15 के साथ, उसके अंदर पहले इन्होंने इसकर्शिय कोलाई को ग्रो करवाया, सही। सो जब ग्रो करवाएंगे तो उसका सारा डीएनए जो सा होगा, डीएनए के अंदर क्या होगा, N15 होगा, ठीक है, और N15 होने की वजह से उसका कह लेंगे जो हमें मतलब आगे जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, सीजियम क्लोराइड जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हेल्प करता है, खासतौर पर जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसमें जो कह लेंगे सब्सटेंसेस को डिवाइड करना होता है ग्रेडियंट के हिसाब से, ठीक है, मतलब जो उनकी कह लेंगे भारेपन के हिसाब से जो कह लें कि सब्सटेंसेस डिवाइड यानी अलग अलग होंगे, उसके लिए सीजियम क्लोराइड कह लें कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, सही, और सेपरेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट के का सेंट्रीफ्यूज लेते हैं, सही। सेंट्रीफ्यूज लेने के बाद जब हम उसकी फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं, यानी फोटोग्राफ्स लेते हैं डीएनए बैंड्स के, तो हमें फॉर एग्जाम्पल इस पोजिशन में मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पोजिशन नंबर ए, सही, पोजीशन नंबर ए के अंदर उससे हमने N15 के ग्राफ्स लिया, सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़हन में होगा, दोनों डीएनए, ठीक है, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, लाइक दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, ये भी N15 का बना हुआ है और दूसरा स्ट्रैंड भी N15 का बना हुआ है इनिशियल कंडीशंस के अंदर, सही। इनिशियली बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल बी मेड अप ऑफ N15, क्योंकि आपने इकोलाई को ग्रो ही उस मीडियम में करवाया जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 मौजूद है, सो वो उसी नाइट्रोजन को यूज़ करेगी और उसका डीएनए जो है वो नाइट्रोजन 15 के साथ ही बनेगा। फिर उसने क्या किया कि इकोलाई को ग्रो करवाने के बाद उसे शिफ्ट कर दिया उसने N14 के अंदर, सही। अब ये जो है वो क्या है, N14 है, सही। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब उसने इकोलाई को पहले N15 में ग्रो करवाया, नाइट्रोजन कंटेनिंग विद 15 जिसका मास था, और उसके बाद उसको उसने फोटोग्राफ ले लिया ताकि उसे मतलब क्लियर रहे कि यार N15 का फोटोग्राफ किस जगह आ रहा है। फिर उसने उसी इकोलाई कल्चर को या उसी इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया N14 के अंदर, जो कि नॉर्मल आइसोटोप है नाइट्रोजन का, सही। और फिर उसके बाद मतलब उसने ग्राफ लिया तो वो ए पोजीशन में नहीं आ रहा था, बट वो बी पोजीशन में आ रहा था। अब उसने पोजीशन चेंज कर ली, सही, ए जो है वो ए पोजीशन पे नहीं आ रहा, बल्कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है, बी पोजीशन पे आ रहा है, सही। सो ये इसकी बी पोजीशन लेने से आ गई। सो यहाँ पे उसने सपोज किया कि बी पोजीशन क्यों आ रही है, बेसिकली इसकी रीज़न ये बन सकती है कि शायद एक इसमें डीएनए का स्टैंड नाइट्रोजन 14 में जब ग्रो करवाया ना हमने इसको, तो इसमें हो सकता है कि एक स्टैंड जो है वो 14 का हो, मतलब N14 का, और एक N15 का स्टैंड हो,
ठीक है, इसलिए शायद इसकी डेंसिटी अब लो हो रही है, या कह लें कि सर्टिफिकेशन के अंदर ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक, जब हम इसका फोटोग्राफ लिया और डिफरेंट प्लेस पे आ रहा है, सही। अब उसने इसको रिकन्फर्म करना था क्या वाकई ही मतलब N14 की वजह से ये वजह आ रही है, तो उसने फिर अगेन N14 के अंदर ग्रो करवाया, ठीक है, यानी नेक्स्ट फेज के लिए जो मतलब जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, दोबारा उसने N14 में ग्रो करवाया। N14 में ग्रो करवाने के बाद उसने दोबारा नोट किया कि यार अब जो DNA बनेगा उसमें जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, N15 का एक स्ट्रैंड रह जाएगा और N14 के दो स्ट्रैंड बन जाएंगे, सही। मतलब आगे N14 क्योंकि N15 का तो एक ही स्ट्रैंड होगा शुरू में, ठीक है, मतलब पहले ये था ना N15 और N14 और N15 का दोनों का था, सही। अब इसके बाद जब इसके आगे मतलब रेप्लिकेशन होगी तो N15 का सिर्फ एक स्ट्रैंड रह जाएगा, लाइक दिस, ये N15 है और उसके साथ N14, और बकाया जो नया स्टैंड बनेगा उसके अंदर दोनों N14 होंगे, सही। यानी ये पिक्चर में ज़्यादा बेहतर हमको नज़र आ रहा है कि मतलब एक N14 का नया स्टैंड बन गया दोनों, जिसमें दोनों N14 के आइसोटोप्स यूज़ हैं, और दूसरा N15 और 14 का इंटरमीडिएट डेंसिटी का DNA बना है, ठीक। एक ये जो N14 वाला है ये कौन सा होगा, लो डेंसिटी होगा, इसकी डेंसिटी लो होगी, और इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी, जिस तरह ऊपर वाले में थी, ठीक है। अच्छा, इसकी हाई डेंसिटी थी और इसकी पोजीशन क्या थी हमारे पास, ए, यानी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ए पे पोजीशन आ रही थी। इसकी मीडियम डेंसिटी आएगी क्योंकि इसमें आधा 15 का हिस्सा है और आधा 14 का, सो मीडियम डेंसिटी है, सो पोजीशन आएगी इसकी फॉर एग्जांपल बी, सही। और जब उसने तीसरी दफ़ा जब ग्रो करवाया उसने देखा कि इंटरमीडिएट स्टैंड भी है और लो डेंसिटी भी है, सो इंटरमीडिएट की पोजीशन तो ज़ाहिर बात है बी पे आएगी, और लो डेंसिटी की पोजीशन एक और पोजीशन सी पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम देखें सो एक चीज़ तो सेम है कि मतलब बी पोजीशन पे एक बैंड आ रहा है, सही, और एक और नया फोटोग्राफिक प्लेट पे बैंड आ रहा है जो कि पोजीशन नंबर सी पे बन रहा है, सही। और ये सी जो सा मतलब N14 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब लो डेंसिटी वाले DNA को रिप्रेजेंट कर रही है, सही। अब उसने कहा चलो ठीक है, हमारा जो DNA वाइसेस 14 पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम नेक्स्ट टाइम इसकी साइकिल दोबारा रिपीट करवाएंगे सो ये मज़ीद कम होगा, ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी मज़ीद कम होगी, तो वही हुआ, उसने दोबारा जब N14 में ग्रो करवाया, सही। अब उसके पास तीन DNA के स्टैंड ऐसे बने हैं जो कि N14 के हैं, ठीक है, और सिर्फ एक DNA ऐसा है जो जिसके पास एक एन यानी जो कह लेंगे मीडियम डेंसिटी का है जो कि पोजीशन नंबर बी पे आएगा, वो कैसा पोजीशन नंबर ए पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ए पे जो सा बैंड है वो बहुत स्ट्रांग बन गया और बी पे बिल्कुल हल्का सा शेड आया, यानी इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो DNA है आप सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, N14 में हो गया, ठीक। सो ये N15 से ऐसा ऐसा N14 में जो कन्वर्जन हो रही है ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो कर रही है, मतलब अगर हम कहते हैं ना डिस्पर्सिव मॉडल है तो जो DNA है उसकी डेंसिटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो सब मिक्स हो जाते, ठीक। अगर हम कहते हैं कि नहीं ये कह लें कि कंजर्वेटिव मॉडल है तो हमें एंड टाइम तक जो बैंड है वो पोजीशन नंबर ए पे कोई ना कोई बैंड मिलना चाहिए था, क्योंकि ये हाई डेंसिटी का बैंड इस जगह आना चाहिए था, लेकिन ए पे कोई बैंड नहीं है, ठीक है। सो ए से ऐसा ऐसा कह लें कि मज़ीद डेंसिटी इसकी डिक्रीज़ हुई है, और डेंसिटी डिक्रीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि वो N14 यूज़ कर रहा है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का लोअर मास वाला आइसोटोप यूज़ कर रहा है नए डाटर स्टैंड बनाने के लिए, सही। सो इस तरह मिसेलसन और स्टाल्स ने एक्सपेरिमेंट किया जिसके ज़रिए उसने प्रूव किया था कि जो DNA रेप्लिकेशन एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करती है। अच्छा, इस सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिज़ल्ट किस तरह लिखा, और ये मसलन अगर हम देखें ना तो ये रेप्लिकेशन साइकिल वन है, ठीक है, तो उन्होंने रिज़ल्ट इस तरह लिखा, ठीक है, उन्होंने कहा जी एट रेप्लिकेशन साइकिल वन ठीक है, यानी जब उन्होंने पहली दफ़ा रेप्लिकेट किया तो उन्होंने देखा कि एक कह लेंगे हाइब्रिड उनके पास DNA है, हाइब्रिड DNA डुप्लिक्स आया उसके पास,
ठीक है। हाइब्रिड से क्या मुराद है कि इसके अंदर एक पेरेंटल स्ट्रैंड है ठीक है, जो कि N15 का है, N15 स्ट्रैंड और प्लस N14 स्ट्रैंड है, सही। N15 जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड था मतलब है, और N14 जो कि डॉटर स्ट्रैंड है। सो पेरेंटल डॉटर दोनों था, जो कि हाइब्रिड डीएनए डुप्लेक्स है जिसकी जो डेंसिटी है वो इंटरमीडिएट है, सही। और फिर जब उसने रेप्लिकेशन साइकिल टू की, एट रेप्लिकेशन साइकिल टू, सही, अगेन कह लें कि एक तो हाइब्रिड स्ट्रैंड आएगा और एक लाइट स्ट्रैंड मिलेगा उसे, सही। मतलब हाइब्रिड हाइब्रिड स्ट्रैंड तो आएगा और प्लस एक लाइट स्ट्रैंड उसे मिलेगा, यानी जिसकी डेंसिटी लो होगी, सही। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइब्रिड स्ट्रैंड है और ये लाइट स्ट्रैंड है, सही। दिस वन इज़ हाइब्रिड और दिस वन इज़ लाइट स्ट्रैंड। सो मतलब हाइब्रिड स्ट्रैंड अभी भी मौजूद है। तो इस तरह ये चीज़ प्रूफ होती है या ये चीज़ कंफर्म होती है कि जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर के अंदर होता है, ठीक है। नहीं, अगर हम रेप्लिकेशन साइकिल वन और टू में डिफरेंस निकालें, मतलब वन के अंदर एक हाइब्रिड स्ट्रैंड था जिसमें यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी है, और एट जो सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल है टू, ठीक है, तो टू लिखा ही नहीं मैंने। सो रेप्लिकेशन साइकिल टू के अंदर हाइब्रिड स्ट्रैंड भी मौजूद होगा और साथ एक लाइट स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, जो इस चीज़ को प्रूव करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है। सो ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशंस के मॉडल। कल हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे।